फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं अमित। और आज मैं कोई फूड रिलेटेड रेसिपी या कुछ नहीं लेके आया हूं, आज फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी क्या मैं आपके लिए इमर्शन ब्लेंडर। हम सोचते हैं कि ये क्या है, किसी इंग्लिश रेसिपी को देखने के टाइम वो टर्म यूज़ करते हैं इमर्शन ब्लेंडर। नथिंग कुछ नहीं है, ये हमारा नॉर्मल जो हैंड मिक्सर होते हैं, हैंड ब्लेंडर्स होते हैं जो अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो होते हैं। बेसिकली इंडिया में दो टाइप्स के मिलते हैं ये। मैं आप सबको प्रेफर सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लेंडर जब भी लें जिसमें ऐसे स्टील वाली रॉड हो, भले फिर आप वो ऐसा लें कप वाला या ऐसा लें, तो स्टील वाली रॉड वाला नहीं, मेटेलिक रॉड वाला नहीं हमेशा। और कंपनी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आप सभी को बॉस ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो ये वाला ब्लेंडर है मेरा बिग बॉस का, इसको मैं पास्ट 8 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, और ये बॉस क्विक मिक्स मैं कुछ 5 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। सो काफ़ी इजीली है हैंडल करना होता है इसको। जो ये आपके इसमें एक ही ब्लेड होता है, इसमें ब्लेड ये वाला जो है उसमें ब्लेड फिक्स नहीं रहते हैं, डिटैचेबल रहते हैं। इसका ब्लेड रिमूवर मुझसे खो गया है तो मैं इसको हाथों से ही रिमूव करता हूँ, बट मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप उससे ही रिमूव करें। तो पहले मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको ये वाले ब्लेंडर के साथ जो बिग बॉस करके है, जीनियस प्लस मॉडल है इसका, इसकी कंज्यूमर रेटिंग है कुछ 3.7 के आसपास, नहीं 3.4 के आसपास। इसके साथ आपको ये एक्सेसरीज मिलती हैं, हटा देता हूँ सबको। ये है इसका वॉल माउंट स्टैंड, और ये कुछ अलग अलग ब्लेड मिलते हैं आपको जो दूसरे मॉडल्स में भी मिलते हैं हैंड ब्लेंडर में। सो ये कुछ ब्लेड हैं, और ये वॉल माउंट ब्रैकेट है, आप इसको इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे जो अच्छी बात मुझे इस ब्लेंडर की लगती है, इसमें सिंगल ट्रिगर ऑप्शन का स्टार्ट बटन है, एक सिंगल स्पीड है और एक टर्बो स्पीड है। ये बहुत अच्छा है होम यूज के लिए, अगर आप डेली यूज करते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ब्लेंडर है मेरे टर्म्स में। अब बारी आती है इसके अटैचमेंट्स की। इसके बाद आपको 3 अलग अलग जार्स मिलते हैं। सबसे पहला ये है चटनी जार, जिसमें आप छोटी अमाउंट में चटनीज बना सकते हैं, गर्म मसाला वर्म मसाला वगैरह पीस सकते हैं। काफ़ी छोटी कैपेसिटी का है, क्यूट सा है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बस इस ब्लेंडर को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फिट करना होता है। जो ये 4 एजेस हैं ये इसके अंदर जार इंसर्ट होनी चाहिए, बट सबसे पहले आपको ब्लेड इसका रिमूव करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से ब्लेड रिमूव हो जाता है और इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है बहुत इजीली। इसमें छोटी क्वांटिटी में चटनी गर्म मसाला हो जाता है। नेक्स्ट है ये जूसर जार या ब्लेंडर जार। इस ब्लेंडर कप में आप जूसिंग कर सकते हैं, जो टोमेटो प्यूरी हुई या कुछ और मिल्क शेक वगैरह बनाना हुआ तो आप इसमें बना सकते हैं। और ये जूसर, इसमें आप मौसम्बी का जूस बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जो ज़्यादा नॉर्मली पल्पी जूसेस जिसको आप जूसर में जूस नहीं कर सकते, आप इसमें बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और लास्टली ये चॉपर है इसका, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फाइन चॉपिंग होती है। इसको भी सेम वे में ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, ब्लेड निकाल के कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है और ये यहाँ पे इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। बहुत अच्छा चॉपर है ये, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। और मुझे आपको ये बोलना है कि ये किसी भी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा इस प्रोडक्ट के साथ है। अब आते हैं हमारे क्विक मिक्स के ऊपर, जो कि मेरा फेवरेट है। सो फ्रेंड्स, अब ये है मेरा क्विक मिक्स, बॉस क्विक मिक्स। सबसे पहले इसका जो मुझे डिसएडवांटेज लगा, इसकी यहाँ पे ब्रांडिंग थी, जब मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछा तो वो ब्रांडिंग हट गई इसकी। लेकिन फॉर द प्रूफ, ये बॉस क्विक मिक्स का ब्लेंडर है, इसमें पीछे स्टिकर है जो आपको इसका प्रूफ देगा। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि इसकी जो ये रॉड है, जो ये स्टेम है, ब्लेंडर स्टेम, वो मेटेलिक है नॉर्मल ब्लेंडर की तरह, सबसे अच्छी बात। और इसमें 450 वॉट की पावरफुल मोटर है, इसको कंटिन्यूसली 1 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेक इंटरमिशन पे आप 5 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। जो जीनियस प्लस था उसको 3 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूस यूसेज। तो ये ब्लेंडर है इमर्शन ब्लेंडर। हम इसको क्यों बोलते हैं इमर्शन ब्लेंडर, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं ये इमर्स हो जाता है हमारे फूड स्टफ में और ब्लेंड होता है, तो इसलिए इमर्शन ब्लेंडर बोलते हैं इसको।
अब इसके साथ आते हैं ये अटैचमेंट, ये ब्लेंडिंग कप आ जाए इसके साथ, जिसमें आप नॉर्मल मिल्क शेक, टोमेटो प्यूरी वगैरह बना सकते हैं। ये कैप एक्स्ट्रा आता है जो दूसरे ब्लेंडर्स के साथ मोस्टली नहीं आता है, जिसमें आप इसको कवर करके अपना फूड स्टफ इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका चॉपर, सेम जैसे उसका चॉपर बहुत अच्छा और पावरफुल था, इसका भी चॉपर बहुत अच्छा है। इसकी दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका एक ग्रूव है जो है ये ऐसे लॉकिंग के साथ है। अभी आपको इसको अगर इसके अटैच करना है तो आप इसको लॉक्स को अंदर प्रेस करेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। टर्बो और वन फर्स्ट नंबर स्पीड दो स्पीड्स हैं दोनों ब्लेंडर्स में ही, और इसमें भी सिंगल ट्रिगर ऑप्शन है, डबल ट्रिगर ऑप्शन है। एक बार ट्रिगर करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे तो उस हिसाब से चलेगा। नाइफ अच्छा और शार्प ब्लेड है इसमें, सो मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है 5 ईयर से। और इसकी कंज्यूमर रेटिंग 3.7 है, उसकी 3.4 थी और उसकी 3.7 है। अब जो है बहुत अच्छा सा एक पार्ट है, इसके साथ आपको ये दो बीटर ब्लेड मिलते हैं और दो डो हुक्स मिलते हैं। मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और इवन इसको बीटर को भी, क्योंकि मैंने जब भी अपने बेकिंग करियर की स्टार्ट की तभी मेरे पास यही ब्लेंडर था और ये काफ़ी स्ट्रांगली घूमता है। बट आप इसको इस कप में नहीं यूज़ कर सकते, मेन बात ये है क्योंकि प्लास्टिक और ये स्क्रैच होना शुरू हो जाएगा। सो ओवरऑल प्रोडक्ट्स दोनों अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बार का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ये नॉन प्रमोशनल वीडियो था, मैं फिर से कह रहा हूँ, जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के साथ क्या है मैं वो शेयर कर रहा था। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक